हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपने धनिया की हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ। देखिए ये हमारा धनिया कितना अच्छा लग रहा है। देखिए ये हमारा सिंगरक का पौधा है और ये बिल्कुल अब तैयार हो चुका है। अभी मैं इसे हार्वेस्ट करके आपको दिखाने वाली हूँ। और इन दोनों बकेट्स में हमारे मूली है और मूली को भी आज पूरा हार्वेस्ट कर दूंगी ताकि हमारा नेक्स्ट गर्मी के सब्जियों के लिए हमारा बकेट खाली हो जाए। फ्रेंड्स इन सब में लेट्यूस लगे हैं जिसकी मैं हार्वेस्टिंग करके आपको दिखाने वाली हूँ। और इसमें भी लेट्यूस और पालक है, इन सब में लेट्यूस है फ्रेंड्स। और ये टमाटर है बट अभी टमाटर का साइज़ बहुत ही छोटा है तो अब हम इसे अभी हार्वेस्ट नहीं करने वाले हैं, कुछ दिनों के बाद आपको दिखाऊंगी। और इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे पालक हैं, ये 3-4 ग्रो बैग पालक के हैं तो मैं आज पालक की भी हार्वेस्टिंग करूँगी। और ये शलजम है, 1-2 पीस से ज़्यादा नहीं है तो इसे भी आज मैं निकाल लूँगी। और बैगन है, बैगन में अभी फूल आए हैं, अभी फूल नहीं लगा है तो मैं इसे 2-3 शायद इसमें टाइम लग जाएगा अभी। और इन दोनों ग्रो बैग्स में हमारे मेथी के पत्ते हैं तो आज मैं इसे भी हार्वेस्ट कर दूंगी। पूरी हार्वेस्टिंग होने के बाद मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब हार्वेस्टिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। ये धनिया का पत्ता है, ये सिंगरा है, ये लहसुन की कुछ कलियां हैं, ये शलजम, ये मूली, मेथी, लेट्यूस, पालक और बस कंप्लीट हो गया। तो मैं पालक तो बहुत कम है फ्रेंड्स, मैं इसकी कोई सब्जी नहीं बनाने जा रही हूँ, मैं इसका बेसन का पकौड़ा बनाऊँगी। और ये जो धनिया है इसकी चटनी बनाऊँगी और धनिया की चटनी के साथ मिलाऊँगी इस लहसुन की कलियों को। और मेथी को मैं आलू के साथ मिला के आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और सिंगरे में भी आलू डालकर सिंगरे की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो ये हमारी एक छोटी सी फैमिली के लिए काफ़ी कुछ हो गया है और बहुत ही अच्छा होता है इसका टेस्ट। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।